हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिस पॉइंट। और इस वीडियो में हम प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को याद करेंगे ट्रिक से। पहले हम याद करेंगे जयदेव और बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं, इसके बाद तुलसीदास, फिर मैथिलीशरण गुप्त, तो फिर कबीरदास की रचनाओं को याद करेंगे। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम याद करेंगे जयदेव और बाणभट्ट की प्रमुख रचनाओं को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी ट्रिक है, जयदेव ने रात में गीत गाया तो बाणभट्ट चहक उठे। ये लाइन आपको याद रखनी है, जयदेव ने रात में गीत गाया तो बाणभट्ट चहक उठे। अब इससे देखते हैं, इनकी रचनाएं याद करते हैं। जयदेव से तो पता चलेगा कि इनकी रचनाएं हैं, नेस में साइलेंट रहेगा। रात में गीत से हम याद करेंगे, रात से याद करेंगे रति मंजरी, इनकी एक रचना है। और गीत से याद करेंगे गीत गोविंद, इनकी दूसरी रचना है। इसके बाद बाणभट्ट से हम, बाणभट्ट से पता चल रहा है कि बाणभट्ट की रचना है। और चहक में हम, ये लिख रखा है मैंने नीचे, चहक में हम जैसे याद करेंगे चंडी शतकम को, और है से याद करेंगे हर्षचरित को, और का से याद करेंगे हम कादम्बरी को। तो चलिए दूसरी ट्रिक देखते हैं। इसके बाद है तुलसीदास जी की प्रमुख रचना। अब याद करते हैं हम तुलसीदास जी की रचनाओं को। इसकी ट्रिक है, दो कवि राह में गीत गाते हैं। ये लाइन आपको याद रखनी है, दो कवि राह में गीत गाते हैं। इसमें हम दो से याद करेंगे दोहावली, और कवि से याद करेंगे कवितावली। राह में रा से याद करेंगे रामचरितमानस, और है से याद करेंगे हम हनुमान चालीसा, और मैं इसमें साइलेंट रहेगा। और गीत गाते हैं से हम याद करेंगे गीतावली। इसके बाद देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है। इसकी ट्रिक है, जय भाषा। जय भाषा में हम इस वाले जैसे याद करेंगे जयद्रथ वध, और यह से याद करेंगे यशोधरा। और भाषा में भाषा याद करेंगे भारत भारती, और शाह से हम याद करेंगे साकेत। इसके बाद देखते हैं, अब याद करेंगे हम कबीरदास की प्रमुख रचनाओं को। इसकी ट्रिक है, सब बीजों की शाखा से अनु ने राम ग्रंथ की रचना की। ये लाइन आपको याद रखनी है, सब बीजों की शाखा से अनु ने राम ग्रंथ की रचना की। इसमें हम सबसे याद करेंगे शब्द, और बीजों से याद करेंगे हम बीजक, और किस में साइलेंट रहेगा। शाखा से याद करेंगे शाखी ग्रंथ, अनु से याद करेंगे हम इसमें अनुराग सागर, और राम से याद करेंगे हम इसमें रमैनी। और इसके बाद ग्रंथ से याद करेंगे हम ग्रंथावली, मतलब कबीर ग्रंथावली। इसके बाद रचना से हम याद करेंगे रचनावली, मतलब कबीर रचनावली। इसके बाद देखते हैं, आशुघोष की प्रमुख रचना है। इसकी ट्रिक है, बुद्ध का श्रम वज्र में। ये लाइन आपको याद रखनी है, बुद्ध का श्रम वज्र में। इसमें बुद्ध से याद करेंगे बुद्ध चरित, का साइलेंट रहेगा। श्रम से याद करेंगे हम इसमें, श्रम में श्रेय से याद करेंगे श्रद्धोत्पाद संग्रह। मैं से याद करेंगे हम महायान, और वज्र से याद करेंगे इसमें हम वज्र सूची। और अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी दूसरी जीके ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स।